बिना कड़वाहट मात्र 5 मिनट में बनाए करेले की सब्जी, वो भी कुकर में। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आराधना। मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुकर में झटपट से बन जाने वाली करेले की सब्जी। तो चलिए देख लेते हैं ये बनते कैसे हैं। सबसे पहले करेले को इस टाइप से आप काट लीजिए जैसे आप नॉर्मली काटती हैं। उसमें 4 बड़े साइज के प्याज, लहसुन, मिर्च के साथ 2 मीडियम साइज के आलू। दोस्तों, एक बार इस तरीके से जब आप करेले की सब्जी बनाएंगी तो बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, कुकर में सबसे पहले करेले को डाल लेते हैं। इसमें दोस्तों ना तो आपको प्याज कट करने की ज़रूरत है और ना ही आलू, आपको सेम इसी तरीके से वो भी इसी में डालना है। मीडियम फ्लेम पर दोस्तों इसे मात्र 1 सीटी आने तक कुक करें। दोस्तों, जब कभी हम करेले की सब्जी बनाते हैं तो उसमें नमक और हल्दी डालकर कुछ टाइम के लिए रख देते हैं और उसके एक्स्ट्रा पानी को निकाल के तब करेले की सब्जी बनाते हैं। लेकिन एक बार ये नया तरीका आप जान लेंगे तो ना तो इसमें कड़वाहट रहेगी और आपका टेस्टी करेले की सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। कुकर में 1 सीटी लग चुका है और इसके भाप को निकाल कर ढक्कन खोलते हैं। इस तरीके से आपका कुक हो चुका है। करेला पूरी तरीके से पका है और प्याज और आलू थोड़े थोड़े ऊपर से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब एक अलग बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों आलू और प्याज पूरी तरीके से सॉफ्ट नहीं हुए हैं, ये अंदर से थोड़े थोड़े कच्चे हैं, तो आलू को पीस बाय पीस इस तरीके से कट कर लीजिए। ये बहुत आसानी से कट हो जाता है। और प्याज वाले हिस्से में ये परत जो है वो अलग करते जाइए। देखिए इस तरीके से इसके परत आसानी से निकलते जाएंगे। आप चाहें तो इसका चोखा भी बना के खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं कभी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी प्याज का चोखा। तो इस तरीके से आप अलग कर लीजिए। अब दोस्तों आप करेले के एक्स्ट्रा पानी को निकाल दीजिए, क्योंकि इसका पानी बहुत कड़वाहट भरा रहता है, तो ये उबलने के बाद पूरी तरीके से अपना कड़वाहट छोड़ देता है। दोस्तों, एक बार इस तरीके से यदि आप करेले की सब्जी बनाकर अपनी फैमिली को खिलाएंगी तो बार बार बनाने का मन करेगा और खिलाने का भी। नहीं तो हमारे घरों में यदि करेला आ जाता है तो मन परेशान हो जाता है कि सब्जी तो बचना तय है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। दोस्तों, अब चलते हैं पैन की तरफ। पैन में डालते हैं कोई सा भी खाने वाला तेल और तड़के में डालते हैं ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद आप इसमें करेला डाल दें। कम से कम 2-3 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से रोस्ट कर लीजिए। जब ये हल्का हल्का भूरा भूरा सा लगने लगे तब इस स्टेज पे आप डालें प्याज और मिर्च, लहसुन और आलू। भुनने से ये रहेगा दोस्तों कि करेला का जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरीके से सूख जाएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो आप कम से कम 5 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से भून लीजिए। करेला अच्छी तरीके से भुन चुका है, इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल चुका है। अब इस स्टेज पे डाल दीजिए आप आलू, प्याज, मिर्च, लहसुन। फिर इसके बाद 2 मिनट तक और भून लीजिए, फिर इसमें मसाला ऐड कीजिए। दोस्तों, आप करेले की सब्जी बिना आलू के भी बना सकते हैं। यदि आपको बच्चों के लिए बनाना है तो उसमें आलू ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि बच्चे तो करेला ऐसे पसंद करेंगे नहीं। एक एक आलू के साथ यदि खाएंगे तो वो अच्छे तरीके से खाएंगे। तो अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले, जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, नमक, और अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो इसमें मैगी मसाला ज़रूर ऐड करें, यदि आप बच्चों के लिए स्पेशली बना रही हैं तो, क्योंकि मैगी मसाला का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब सभी को अच्छे से कर दीजिए मिक्स और आपका रेडी है ये करेले की सब्जी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। दोस्तों, यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन बराबर आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक फिर से नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।